वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अग्निपथ स्कीम। तो बात करते हैं इसके बारे में। वॉलंटरी रिटेंशन के प्रावधान के साथ सशस्त्र बलों के में 4 साल के कार्यकाल के लिए 17.5 से 21 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं की भर्ती होगी, वो भी उनकी योग्यता के आधार पर। इस साल 46,000 युवक युवतियों की भर्ती की योजना के साथ 90 दिनों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब से तीनों रक्षा सेवाओं में सैनिकों की भर्ती का यह एकमात्र तरीका होगा। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत रिक्रूट्स को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद वे सशस्त्र बलों में नियमित रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य सरकारी विभागों में उन्हें दूसरे विभिन्न नौकरियों पर भविष्य में प्राथमिकता दी जा सकती है। इस कदम से समय के साथ सशस्त्र बलों में कर्मियों की औसत आयु प्रोफाइल मौजूदा 32 से 24-26 वर्ष तक कम होने की उम्मीद है। तीनों सेवाओं में नामांकन एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से होगा, जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जैसे मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में विशेष रैलीज और कैंपस इंटरव्यूज होंगे। मौजूदा मानदंडों के अनुसार चिकित्सा और शारीरिक फिटनेस मानकों के साथ 17.5 से 21 तक की पात्रता आयु के साथ अखिल भारतीय सभी वर्ग के आधार पर भर्ती की जाएगी। अग्निवरों को पहले वर्ष में 4.76 लाख रुपए का वार्षिक पैकेज मिलेगा, वहीं चौथे वर्ष में 6.92 लाख मिलेगा, जो जोखिम कठिनाई और अन्य लागू होने वाले भत्तों के अलावा होगा। सेवानिधि पैकेज के तहत सेवा पूरी होने पर उन्हें योगदान और ब्याज सहित लगभग 11.71 लाख प्राप्त होंगे। भर्तियों को सरकार द्वारा किए गए समान योगदान के साथ सेवानिधि में अपनी मासिक परिलब्धियों का 30% योगदान करना होगा। इस योजना के तहत ग्रेच्युटी और पेंशन लाभ का कोई अधिकार नहीं होगा। हालांकि अग्निवर्ग को उनकी सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का नॉन कंट्रीब्यूटरी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। 2022-23 के लिए रक्षा के लिए कुल बजट आवंटन 5.25 लाख रुपए करोड़ है, जिसमें से राजस्व आवंटन 2.33 लाख करोड़ रुपए हैं, पूंजी आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपए हैं और रक्षा पेंशन 1.19 लाख करोड़ रुपए तक है। जानेंगे इस पर विपक्ष का क्या कहना है। कांग्रेस ने सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना की आलोचना करते हुए कहा कि यह निर्णय तीनों सेनाओं की दक्षता और संचालन क्षमता से समझौता कर सकता है। पार्टी ने युवाओं के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई। आगे बढ़ेंगे हमारे सवाल की ओर। हमारा आज का सवाल है, अग्निपथ स्कीम में युवाओं की भर्ती के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 17 से 21, 17.5 से 21, 17.5 से 21 या फिर 18 से 21, या फिर इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक, जिसका सही उत्तर है 17.5 से 21 साल। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं।